हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीमा नाथ फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज आई हूँ। तो कल मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, और मेरा इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम था कल। पेपर टू मेरा इंग्लिश है। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दूँ कि जो आप लोगों को अभी देखना बहुत ज़रूरी है। पेपर वन के बारे में अगर बोलूँ तो पेपर वन हम इजी टू मॉडरेट था। जो पढ़ के जाएंगे उनके लिए तो इजी लगेगा, नहीं तो मॉडरेट ही है। डीआई के बारे में बात करूँ तो डीआई आपका थोड़ा सा हार्ड था, कैलकुलेटिव था। आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से जल्दी जल्दी करना होगा। अगर डीआई आप अटेम्प्ट करोगे तो करके ही आना है, सब कुछ अटेम्प्ट करके आना है। तो मेरा जो हुआ कि मैं बाद में करूँगी करके छोड़ के आई हूँ, और इसलिए मेरा टाइम शॉर्टेज हो गया था एग्ज़ाम में। लास्ट में मुझे छोड़ना पड़ा है। 93 में मैं थी और तब स्क्रीन ऑफ हो गया था। तो डीआई थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए। अगर आप करके जाओगे तो आपके लिए ईजी होगा। और एसआई आया था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, और नंबर लेटर सीरीज़ आया था, आएगा ही। तो नंबर जो आया था वो नंबर में आपको दो सीरीज़ एक साथ मिक्सिंग करके होता है ना, वो आ गया है। तो मेरा माइनस में आया था नंबर, प्लस माइनस मिला के आया था। और लेटर आपको क्रॉस कनेक्शन जो जरा होता है ना, वो वैसा आया था लेटर। और फिर आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मेरा जो आया था तो वो पिक्चर वाला, कि इसका पिक्चर दिखा के क्या बोल रहा है वैसा। तो मेरा आंसर डॉटर हुआ है कभी किसी का, कुछ और आया है पता नहीं क्या। तो आप उसे ड्रॉ करके लेना। और ये सब सारे चीज़ टीचर्स ऑलरेडी बोल चुके हैं टेक्स्ट बुक्स पेपर को, जिनके जिनके पास भी आप लोगों का सब्सक्रिप्शन है, आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं। तो अच्छी तरह से ये करके जाना है। और बहुत अच्छी तरह से फैलेसी भी आया है, फैलेसी आपका इंडियन लॉजिक का भी आया है, वो जो इनफॉर्मल फैलेसी होता है ना, वो सब आया है। और इस बार जो मैंने देखी वो है कि एनटीए ने हमारे दिमाग के साथ खेला है, क्योंकि पांच क्वेश्चन बनता है एक एक यूनिट से, ऐसे ही जानते हैं हम, पर ऐसा नहीं हुआ है। पांच यूनिट से पांच क्वेश्चंस नहीं बना है उसने। जो दिया है आईसीटी में ज़्यादा दिया है। आईसीटी में बहुत सारा क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में, ठीक है। तो आईसीटी में बहुत सारा क्वेश्चन था, और वेब 3.0 वो मेरा आया था। तो वेब वाला पढ़ के जाना है, ठीक है, उसमें से आएगा। और बहुत सारा करंट अफेयर्स, जो 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 नया नया चीज़ें आ रहा है आईसीटी के रिलेटेड, वो सब सरकारी जो सब आ रहा है, सब कुछ पढ़ के जाना है, वहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। और आपका सिलोजिज्म आएगा, लॉजिकल रीजनिंग का, और सिलोजिज्म आया हुआ है मेरा। और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी देख के जाना है ठीक से, वो आएगा। और एक चीज़, हायर एजुकेशन से मेरा पेपर वन में कुछ नहीं था, पेपर टू में चीज़ें चला गया था मेरा। पेपर वन में हायर एजुकेशन से मैं कुछ भी नहीं मिला मुझे। पेपर टू में जो गया वो है कमीशंस। कमीशंस पढ़ के जाना है। कोठरी कमीशन आया मेरा, राधा कृष्णन आया, इजी था। एंसेंट एजुकेशन तो मेरा कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत लोगों का आ रहा है शिफ्ट में, इसलिए वो भी पढ़ के जाना है, मेरा नहीं आया था। और हायर एजुकेशन में हाँ, मैक्यूलमिनिट जो है ना इंग्लिश एजुकेशन वाला, वो आया था, मेरा पेपर टू में गया था। तो अभी पेपर वन में हायर एजुकेशन कुछ नहीं था मेरा। और स्वयं पढ़ के जाना है, स्वयं से क्वेश्चन होगा, कुछ आया था मुझे याद नहीं है। और हाँ, हायर एजुकेशन से और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सा है, वो भी देख के जाना है। मेरा आया है ये क्वेश्चन, अब उसके रिलेटेड कुछ तो आएगा ही, अब देख के जाना है वो क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ फेमस है, किस किस लिए फेमस है वो वाला। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मैंने बोला, तो मेरा वो आया था। टीचिंग एप्टीट्यूड में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, आपको सोचना पड़ेगा फिर आप आंसर दे पाओगे। मतलब सिचुएशन वाला क्वेश्चन दे रहा है, क्लासरूम सिचुएशन वाला। और उसके बाद है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ तो मैंने बोल ही दिया कि कैसा आया था। तो अब मुझे बताना है कि टेक्स्ट बुक से मुझे कितना हेल्प मिला। तो हाँ, टेक्स्ट बुक अगर नहीं होता तो मैं एग्ज़ाम शायद नहीं दे पाती, क्योंकि बहुत कम टाइम था मेरा, 4 महीने बस मुझे मिला है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि उसके पहले मेरा मास्टर्स चल रहा था, और उसके मतलब मास्टर्स के बाद मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं श्योर नहीं थी कि नीट दूंगी या नहीं। तो जब मुझे लगा कि मैं दूंगी तो मैं जल्दी जल्दी ये सब्सक्रिप्शन ले ली थी, थैंक गॉड। जितना भी करी हूँ उतना में मुझे जितना टाइम मिला है प्रैक्टिस करने के लिए, तो अगर ज़्यादा टाइम मिलता तो शायद मैं टेक्स्ट बुक की और भी हेल्प ले पाती, क्योंकि वहाँ पे आपको मिल रहा है फ्री मटेरियल्स। मतलब आपका जो बुक है ना, वो बुक से नहीं होगा, मतलब KVS का जो बुक है
जो मैं मुझे लग रहा था कि सब कर रहे तो वहाँ से ही होगा, लेकिन मैंने जब देखा कि टेस्ट बुक का मटेरियल है यहाँ पे, तो मैंने देखा कि टेस्ट बुक का मटेरियल बहुत ही अपडेटेड है, जो कि बुक में नहीं है। अभी तो पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, NTA पूरा चीज़ें अलग अलग ही बना रहा है, उसका क्या दिमाग में चल रहा है पता नहीं, वो अपनी मनमानी कर रही है और वो एक नया ट्रेंड पकड़ रहा है। और वो जो पहले वाला पिछले वाला ट्रेंड था ना, वो ऐसा नहीं आ रहा है अभी, क्वेश्चंस नए ही नए आ रहे हैं, नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। अगर कंसेप्ट किया है तो आप कर सकते हो ऐसे वाला। तो टेस्ट बुक के जो मटेरियल्स मिल रहा है ना PDF, तो वो बहुत अच्छा है, वो सुपर कोचिंग में मिलेगा आपको, आप जल्दी जल्दी ले लो, अच्छा होगा। और एक चीज़ जो टेस्ट बुक में अच्छा है जो मुझे लगा, वो मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट, जितना चाहो उतना मॉक टेस्ट दे सकते हो। मैंने एक बार लगाया था मॉक टेस्ट, Paper 1 के लिए एक बार, Paper 2 के लिए एक बार, मुझे और टाइम नहीं मिला, मैंने बोला। तो आप लोग अगर टाइम है तो एक मॉक टेस्ट लगा लो, क्या है जाता है अभी तो, अगर टाइम है तो। लेकिन मॉक टेस्ट का ज़रूरत बहुत है, मुझे एग्ज़ाम टाइम में भी जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मुझे लग रहा था कि और भी अगर मॉक टेस्ट दे के आती तो शायद ये सब क्वेश्चंस मुझे बन जाता, क्योंकि जितना टेस्ट दो कि उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो पढ़ तो सभी रह रहे हैं, लेकिन डेप्थ में जाके कौन पढ़ रहा है, उसका ही तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो वो आपको दिखना है, दिख के जाना है। और वैसे मैं टेस्ट बुक को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था जब मैं पहले शुरू की थी, तो मैं उन लोगों के लिए बोलो जिनके पास ना है कोई मटेरियल्स, जिनके कोई टीचर्स नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिलेगा। तुलिका मैम, प्रीति मैम बहुत अच्छे तरह से लॉजिकल रीजनिंग रिसर्च एप्टीट्यूड्स पढ़ा रहे थे, और वो सब क्वेश्चंस भी आए हैं मुझे, जब मैं जब कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये सब चीज़ तो पढ़ के आए, ये सब तो करके ही जाना है, ये सब ठीक होना ही है, ये सब बाकी का पता नहीं, पर ये सब तो करके जाना है, मतलब ठीक होना ही है, तो ऐसा फीलिंग्स आ रहा था। तो वहाँ पे जो पढ़ाया गया है वो आया है, तो मुझे लगता है आप लोगों के भी वैसा ही चांसेस है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे के आना, और ब्रेन को बहुत शार्प रखना, क्योंकि स्क्रीन में जब आप देखोगे तो दिमाग घूमेगा बहुत, लेकिन शांत होके एग्ज़ाम क्लियर करके आना है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के यही सोचना है कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको दिमाग उस टाइम पे चलाना है कि आंसर्स मुझे ठीक ठाक देना है, मैं जो जानती हूँ वो ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है अंदर पे। तो थैंक्स टू everyone, टेस्ट बुक के जो टीचर्स हैं सभी को मेरी तरफ से शुक्रिया, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना।